मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण तबाही के मंजर देखने को मिले हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। विदिशा जिले में भी हवाई सर्वे किया। वहीं सर्वे के दौरान सीएम ने विदिशा जिले के नटरनगंज, बरौदा, विदिशा, कुरवई आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया, राहत शिविरों का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से चर्चा की। बता दें कि मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिलों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से सर्वे करने के दौरान बाढ़ पीड़ितों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। आपको बता दें कि जिलों में अलग अलग स्थानों पर कई राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को रोकने के अलावा खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल, विदिशा, राजगढ़ समेत पूरे मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस कारण बांध लबालब भरे हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं, कई जगह नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। विदिशा जिले में बेतवा और उसकी सहायक नदी उफान पर है, कई गाँव घिरे हुए हैं। अभी मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया। लगभग 25 गांव विशेषकर विदिशा जिले में ज़्यादा हैं, लेकिन गुना में भी, राजगढ़ में भी कुल मिला के 25 गांव पानी में घिरे हुए हैं। बेतवा का जल स्तर अभी कुछ जगह स्थिर है, लेकिन गांव गढ़ला, ताजला जैसे गांव में ग्रामीण बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम वोट के माध्यम से भी निकाल रहे हैं लोगों को। एक ऑपरेशन में स्वयं मैं गया, वोट के माध्यम से लोगों को निकाल के लाए, और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी, दो दो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हैं। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है, वो पूरी ताकत से लोगों को बचाने में और निकालने में लगा हुआ है। संपत्ति के नुकसान का आकलन हम बाद में करेंगे, क्योंकि फसलें भी डूबी है और घर भी डूबे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है लोगों की जिंदगी बचाना। अभी एक बार मैं फिर कुरवाई तक, विदिशा जिले में अभी फिर जा रहा हूँ, रायसेन जिले से लौटते हुए वापस आऊँगा, और गढ़ला ताजला जैसे गांव में लोगों को कन्वेंस करने का हम प्रयास करेंगे कि वो आज रात के पहले बाहर निकले, क्योंकि छत पे खड़े हैं और भावी पानी है। तो कोशिश यही होगी कि एक भी जिंदगी ना जाए, हम सबको सुरक्षित बचा लें और इस संकट से निकाल लें।